कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1, 2, 9, 6, 4 मेवाड़ एक्सप्रेस उदयपुर सिटी से चलकर हजरत निजामुद्दीन को जाने वाली अपने निर्धारित समय से 18 मिनट की देरी से चल रही है। दोस्तों, सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन का दृश्य है। मैं अपनी एग्ज़ाम KVS TGT की देने के लिए गंगापुर सिटी से कोटा गया। रास्ते बीच में मुझे देहरादून से हल्दीघाटी पैसेंजर में सफ़र करना पड़ा, क्योंकि रात का वक्त था, नींद आने लग गई थी, इसलिए। कोटा जंक्शन पर उतरने के बाद मैंने अपनी यात्रा का सफ़र शुरू किया बस में। जब मैंने ऑटो वाले से पूछा कि कितना किराया लोगे, उसने 300 रुपये बताया। मेरे पास इतना बजट नहीं था, तो मैंने एक ढाबे वाले से पूछा। उसने मुझको सलाह दी कि आप बस से जाइए, रेलवे स्टेशन के ठीक सामने ही रणपुर के लिए बस लगती है। वहाँ से बैठ कर के मैंने अपना सफ़र बस में शुरू किया, और अब आप देख रहे हैं कि बस में से नज़ारा कैसा नज़र आ रहा है। 3 मूर्तियाँ, कोटा नदी की सड़कें हैं, और ये मेरे सामने देख रही है वाहन चालक। बस के अंदर से बाहर का नज़ारा बड़ा ही अनोखा है। दोस्तों, मुझे बस वाले ने ST जोसेफ स्कूल के सामने उतार दिया। इसी के सामने मेरा एग्ज़ाम सेंटर है, सर्वोदय। यहाँ पर मैं अब फोटो क्लिप शूट कर रहा हूँ ठीक सामने से। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपने हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसे एरोड्रम कहते हैं। जब मैं फोटो क्लिप शूट कर रहा था, वीडियो बना रहा था, उस वक्त एक लड़का चलती हुई बस में से उतर गया और घूमता हुआ गिरा, लेकिन उसके बाल बाल बच गए। अभी यहाँ से मैंने अपनी बस चेंज की, पहली बस वाले को 20 रुपये किराया दिया, अब इस वाले बस को भी 20 रुपये ही किराया दूंगा। अब ये देख रहे हैं आप, एग्ज़ाम दे करके मैं वापस आता हूँ रिटर्न में, तो मुझे ऑटो वाला मिलता है, और ऑटो वाला मुझसे, एक ऑटो वाला 20 रुपये लेता है और एक 50 रुपये। फिर मैं आ चुका हूँ कोटा जंक्शन, और यहाँ से मेरा सफ़र शुरू होता है ट्रेन का। इस वक्त मैं बहुत परेशान हो चुका था, भागते भागते ट्रेन पकड़ी, तब जाकर के ट्रेन हाथ आई कोटा जंक्शन पर। एक नंबर के 2 प्लेटफॉर्म थे, तो पहला प्लेटफॉर्म खाली था और दूसरे पर ट्रेन खड़ी हुई थी, वो बड़ी मुश्किल से नज़र आई। फिर मुझे भूख लगी और मैंने एक चिप्स का पैकेट लिया, और चिप्स का पैकेट 20 रुपये का था। फिर ट्रेन चल चुकी थी। और अब ये देखिए, मैं घर आ चुका हूँ, लेकिन मेरी रात को हालत ख़राब हो गई थी। मैं रेलवे स्टेशन पर गया था पार्किंग में, वहाँ मेरी गाड़ी रखी हुई थी, गाड़ी को मैंने उठाया लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई थी। फिर उसको बड़ी मुश्किल से घुड़का करके स्टार्ट किया, फिर मैं घर आया,
और घर रात को 12 साढ़े 12 बजे उतरा पहुंचा, और फिर अब मैं सो गया और अब सुबह जग चुका हूँ। तो दोस्तों ये था मेरा सफ़र, कैसा रहा? वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और धन्यवाद ऐसे ही वीडियो देखने के लिए।